तबाही, बर्बादी और लाचारी से जूझ रहे जोशीमठ में चल रहे डेमोल्यूशन की कार्रवाई के बीच थोड़ी राहत की खबर आई है। जोशीमठ में जेपी नगर के सामने मारवाड़ी गांव में मौजूद जिस झरने को तबाही की वजह माना जा रहा है, वहां से पानी का रिसाव अब बहुत कम हो गया है। इसी झरने से तेजी से बह रहे पानी की वजह से जोशीमठ में दरारें आ गई थी। इस झरने से हर घंटे 500 लीटर पानी बह रहा था और इस पानी से इमारतों और सड़कों में दरारें आ गई थी, लेकिन अब इस झरने से बहुत ही मामूली मात्रा में पानी निकल रहा है। ये जोशीमठ के लिए बड़ी राहत है। तो ये वो झरना है जिसे सबसे बड़ा कारण माना गया, जिससे पानी के रिसाव से ये माना गया कि जोशीमठ में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये त्रासदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब इस झरने से बहुत ही कम मात्रा में पानी निकल रहा है, जिससे राहत की खबर है। जेपी नगर के सामने मारवाड़ी गांव के पास जो झरना निकला था उसमें पानी निकलना लगभग खत्म हो गया है और ये जोशीमठ के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर है। ये झरना हमने आपको दिखाया था और यहाँ के फ्लो की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। अब पानी कम इतना है कि वो छिटक कर दूर तक आ रहा है और यहाँ पानी बहुत ही कम मात्रा में निकल रहा है। इसी पानी को जोशीमठ की समस्या के लिए जिम्मेदार माना गया था और जब ये पानी कम होने लगा है तो आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ वालों के लिए इससे अच्छी राहत की खबर नहीं हो सकती थी। शुरुआत में इस झरने में 450 से 500 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी निकल रहा था और हमने लगातार आपको यहां से निकलता हुआ पानी दिखाया है और आज ये लगभग खत्म होने की कगार पर है। कुछ पानी निकल रहा है, थोड़ी बहुत मिट्टी निकल रही है, लेकिन पानी का फ्लो लगभग ना के बराबर है और इस तरह के छोटे जल रिसाव से किसी बड़े नुकसान का अंदेशा कम हो जाता है और उम्मीद की जानी चाहिए अगले एक या दो दिन में ये पूरी तरह से थम जाएगा तो जोशीमठ के निवासी राहत की सांस ले पाएंगे। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। पानी का रिसाव कम हो गया है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जोशीमठ में जिस जगह पर होटल गिराए जा रहे हैं उसके नीचे के इलाकों में मिट्टी का तेजी से कटाव होने लगा है। मिट्टी धंसने की वजह से कई मकानों के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। अब पराशर की एक रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में लगातार जमीन जो है वो धस रही है। जिस तरीके से घरों में दरारें आई उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी हम पहुंचे हैं जोशीमठ में, सिंहधार एक जगह पड़ती है। सिंहधार सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। ये वही इलाका है जहां पर ये दोनों होटल माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है उसके नीचे जो कॉलोनी है उसके पास हम पहुंचे हैं और यहां पर सबसे खतरे की बात यह है कि नीचे की तरफ ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा, ये खेत कट रहा है, यानी कि जमीन लगातार नीचे की तरफ धंसती जा रही है। पूरे खेत के अंदर इस तरीके से दरारें आ गई हैं। अब आप सोचिए कि जब इतनी दरारें खेत के अंदर आ गई है, मिट्टी गीली है और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ धस रही है, तो ऊपर एक बार मैं चाहूंगा ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करें। पूरी एक कॉलोनी ऊपर बसी हुई है और जैसे जैसे ये जमीन नीचे की तरफ धस रही है तो खतरा इस बात का है कि ऊपर के सभी मकान जो है वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। खेत कट गया है, यहां पर जो रहते हैं उनका घर, पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर सिर्फ इस चट्टान की वजह से रुका हुआ है, लेकिन अब खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे इस चट्टान के नीचे से भी ये जो मिट्टी खिसक रही है इस वजह से ऊपर के मकान भी नीचे आ सकते हैं। दरारें मकानों में पहले से पड़ चुकी है और अब मिट्टी इस तरीके से यहां पर खिसक रही है। इसरो की रिपोर्ट जो आई है, सैटेलाइट इमेजेस जो आई है, उसमें भी ये बताया गया है कि पिछले 12 दिनों में कितने सेंटीमीटर, करीब 5 सेंटीमीटर के आसपास की अगर बात की जाए तो जोशीमठ लगातार नीचे की तरफ धस रहा है और खतरा अभी और भी ज्यादा है, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उससे ये भी पता लगता है कि जोशीमठ के अंदर कई ऐसी जगह है जिसमें नरसिंह मंदिर है या हेलीपैड है, वहां पर भी मिट्टी नीचे की तरफ धस रही है। ड्रेनेज सिस्टम यहां पर नहीं है। एक्सपर्ट साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जोशीमठ के अंदर जितनी टाउनशिप यहां पर है, इतनी हैवी टाउनशिप जोशीमठ के अंदर नहीं होनी चाहिए, इतना भार है जोशीमठ के ऊपर और इसी वजह से इस तरीके की स्थिति जोशीमठ में हुई है। ये यहाँ के हमारे साथ किसान मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? शिवलाल। ये बताइए कि आपका घर बिल्कुल ऊपर है और नीचे इस तरीके से खेत कट रहा है, मिट्टी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है कि नीचे धस रही है, दरार पड़ गई है खेतों में, कैसे आप लोग ऊपर रह रहे हैं और प्रशासन से क्या बातचीत चल रही है?
प्रशासन से एक दो दफे ये बातचीत भी, मैंने अपने घर खाली कर लिया, मोटा मोटा सामान उधर विद्यालय में भेज रखा है। मैंने भी दो परिवार है, बहू और हम बुढ़ा आदमी, बाकी मेरे जो है खेती बाड़ी का ही वो था। ये सारे स्टोन देख लीजिए और ये दरार देख लीजिए आपके सामने जो। देखिए बिल्कुल बहुत खतरनाक मंजर है यहाँ का, जोशीमठ का जो ये सिंगदार इलाका है, यहाँ पर न केवल घरों में दरार आ रही है बल्कि इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशीमठ लगातार नीचे की तरफ धसता जा रहा है। इस तरीके से पहाड़ों में जो खेत है वहां पर मिट्टी साफ तौर पर खिसकती हुई यहां पर दिख रही है और ये दरारें बढ़ती जा रही हैं, जो आने वाले वक्त में जोशीमठ के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, जोशीमठ। और जमीन धंसने और दरार की वजह से कुछ दिनों पहले एक मंदिर गिर गया था और इस मंदिर के आसपास भी कई इमारतें कभी भी गिर सकती हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगधार में, जहां पर अब खेत भी धंसने शुरू हो गए हैं, खेतों में दरार पड़ गई है, लगातार मिट्टी नीचे की तरफ धंस रही है। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। 4-5 दिन पहले ये मंदिर जो है जोशीमठ में, यहाँ पर सही स्थिति में था, मंदिर खड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि दरारें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, पहले मकानों में दरारें थी, लेकिन जिस तरीके से खेत आप देख रहे हैं, जो ये पहाड़ी है, इनमें भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। और फिलहाल किस तरीके की हालत है इस मंदिर की, पूरा मंदिर जो है, क्योंकि नीचे की तरफ से मिट्टी जो है वो लगातार धंस रही है। इसरो की रिपोर्ट जो आई है, सैटेलाइट इमेजेस जो आई हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि जोशीमठ पिछले 12 दिनों में कितना धंसता जा रहा है। ये देखिए पूरा जो यहाँ पर ये घर बना हुआ है, घर की छत पर हम मौजूद हैं, पूरा लेंटर जो है वो यहाँ पर उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। इन घरों को पूरी तरीके से डेंजर घोषित कर दिया गया है। सामने मकान आप देख रहे हैं, उसमें पूरी दरार पड़ गई है। और ये मंदिर जो है पहले पूरी तरीके से सही था ये, लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर दरारें इस कदर बढ़ी कि पूरा मंदिर जो है वो तहस नहस हो गया है। इस पूरी नीचे की तरफ जो कॉलोनी है वहां की भी हम आपको हालात दिखाएंगे। सिंगधार वो इलाका है जो कि जहां पर जोशीमठ में ये दोनों होटल है, मनारी इन और साथ ही माउंट व्यू, उसके नीचे की तरफ एक कॉलोनी पड़ती है। और ऊपर से जैसे जैसे मिट्टी धस रही है, सबसे बड़ा खतरा ये बना हुआ है कि पूरा जोशीमठ जो है वो तो नहीं धस जाएगा, इस बात की आशंका लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। और प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सिचुएशन को स्टेबल किया जाए, क्योंकि खतरा अभी आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि जो खेत है पहाड़ों में, जो मिट्टी है वहां पर भी धसनी शुरू हो गई है। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, जोशीमठ। घरों में दरार की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट करना पड़ गया है। इन लोगों का दर्द सुनिए, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। जोशीमठ में सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि जितनी दरारें आई हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, न केवल मकानों में बल्कि जो पहाड़ पर जो खेत है उनमें भी दरारें आ गई हैं और मिट्टी लगातार धस रही है। इसरो की जो इमेजेस आई हैं वो भी चौंकाने वाली हैं, जिससे पता चलता है कि पिछले करीब 12 दिनों में जोशीमठ कितना धस रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंगधारा, जोशीमठ में एक जगह पड़ती है, वहां पर एक पूरी कॉलोनी जो है उसमें तबाही आई है। खेत के खेत कट गए हैं, मकान पूरे के पूरे टूट गए हैं, मंदिर टूट गए हैं। और लोगों को पास का ही एक ये स्कूल है यहाँ का, चमोली जो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का स्कूल है, इन स्कूलों के अंदर लोगों को आसरा दिया गया है। अलग अलग क्लासरूम में बेड डाले गए हैं जहां पर लोग रहने को मजबूर हैं और बेहद परेशान है, क्योंकि उनका पूरा घर जो है, उनका जो रोजगार था खेतीबाड़ी, सब कुछ उजड़ गया है। ऋषि देवी जी, एक महिला हमें यहाँ पर मिली, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। असल में ये एक क्लासरूम है, आप देख सकते हैं स्कूल है, और स्कूल को फिलहाल लोगों के रहने के लिए घरों में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, गद्दे लगाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रहने को तो लोगों को फिलहाल जगह मिल गई है, लेकिन लोगों का जो अपना आशियाना था वो पूरी तरीके से टूट गया है। आगे ये लोग कहाँ जाएंगे कुछ ने नहीं पता। ऋषि देवी जी, आपका घर मैंने देखा, पूरा का पूरा घर टूट गया है। कौन कौन आपके परिवार में है और किस तरीके से जब आपका घर टूटा कैसे खुद को संभाला, कैसे निकले? ऐसे ही दौड़ भाग कर, थोड़ा थोड़ा तो पहले से हो रहा था,
हम गए भी थे कि शासन वो नगर पालिका तहसील की बेटा हमारा घर टूटा, थोड़ा दरारा आने लगी, दरारा आने लगी। उन्होंने क्या कि हम क्या कर सकते, जब आगे से ऑर्डर आएगी तभी हम कर सकते, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, तुम कहीं शिफ्ट हो जाओ, कहीं शिफ्ट हो जाओ। अब थोड़ी इधर उधर हमने कहीं कमरे मांगा तो थोड़ा सामान थोड़ा थोड़ा कहीं लाने लगी। फिर हम इतना घर तो किसको दे रहा, खाना पीना गाय बछड़ा रहने के लिए इतना कौन दे रहा। बड़ा परिवार है मेरे भी, दो लड़के बहू है, नाती पोते, इतना पूरा परिवार है। तो थोड़ी इधर उधर तो दो तारीख से तो हम देखो दरारों आने लगी, जैसे सुबह उठा तो बुरा दरार। तो हमने थोड़ा सामान से कम कम, ज़्यादा तो नहीं कम कम, तो तीसरा दिन में 3 तारीख को तो पूरा दरवाजे से बाहर आने लगे। ऐसे ही दौड़ भाग कर हम इधर आ गए। गरीब परिवार है, ऐसे तेज तड़ा कहीं शासन प्रशासन शासन लड़ाई भी नहीं कर सकते, तुम ऐसा करो ऐसा करो, वो देखें और तब हमारी समस्या सुने, तब विचारों का आगे बढ़ा हम आगे क्या। देखिए ऐसी स्थिति है, घर के अंदर पूरा परिवार है, बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, घर के पास एक मंदिर बनाया था, सब कुछ टूट गया है। जो रोजगार के लिए इनके पास जो जानवर थे जिनका दूध निकाला जाता था उनको भी इधर उधर दे दिया है, क्योंकि अब इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। उसी घर की तस्वीरें इनके दिमाग में, इनकी आंखों में लगातार घूमती रहती हैं, क्योंकि वो आशियाना जो इतनी मेहनत से बनाया गया था वो अब पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। सरकार से उम्मीद है इन लोगों को कि सरकार इनके पुनर्निवास के लिए आगे कुछ ना कुछ कदम उठाएगी ताकि ये लोग दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। और हमारे साथ जुड़े पवन नारा जोशीमठ से और अभय पराशर भी जोशीमठ से जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने बताया था कि काम शुरू हो चुका है होटल को गिराने को लेकर, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है ग्राउंड जीरो पर? अभय, सबसे पहले माफ कीजिएगा, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं यहाँ की। ये छत से टिन को हटा दिया गया है, जितना भी लूज सामान है या वो सामान जो इस बिल्डिंग से निकाला जा सकता है वो निकाला जा रहा है, चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम हो, चाहे वो खिड़कियां हो, चाहे वो छत की टीन शेड हो। आप देखेंगे मजदूर एक एक करके उस सब को नीचे उतार रहे हैं। बाहर एक रस्सी लगाई गई है, सड़क पे वो सब मलबा डाल दिया गया है जो नॉन यूजेबल छतों पर पड़ा हुआ था, उसे निकाल दिया गया है। और अब योजना ये है कि जो जो हिस्सा निकाला जा सकता है उसे निकाल कर इसको सिर्फ एक बेयर स्ट्रक्चर रखा जाए, यानी सिर्फ ईंट गारा मट्टी जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है वो जब बच जाए तब तोड़ने की शुरुआत हो। और शुरुआत में सबसे पहले वो टिन शेड यहाँ के घरों पे इसलिए लगाई जाती है क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है। अभी तक राहत ये रही है कि बर्फबारी नहीं हुई तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन आपको बता दें यहाँ आज का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस था। अगर धूप ना हो तो कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है, तो ये होटल तो टूट ही रहे हैं। जिन लोगों के घर और आशियाने छूटे हैं उनके लिए भी मुश्किल का वक्त है, सर्दी बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल पवन, अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, फिलहाल अभी क्या हालात हैं, लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल लोगों की परेशानी बढ़ रही है, जिस तरीके से पवन बता रहे हैं मौसम बहुत ठंडा है, लोगों के आशियाने टूट गए हैं और लोग स्कूलों में या जहां जगह मिल रही है वहां पर रहने को मजबूर हैं। नीचे की तरफ से मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, माउंट व्यू होटल और साथ ही मलारी इन होटल है, दोनों की ही छत पर आपको काम करते हुए जो टीम्स है वो आपको दिख रही है, दोनों को ही साथ में डिसमेंटल किया जा रहा है। और जिस तरीके से जो टीन शेड थी वो साफ तौर पर आप यहां पर देख रही हैं, मलारी इन होटल की टीन शेड ज्यादातर पूरी तरीके से हटा ली गई है। तो एक टीम जो है वो होटल माउंट व्यू की छत पर भी मौजूद है, वहां पर भी जो लूज सामान है, जो टीन शेड है उसे हटाया जा रहा है, खिड़की दरवाजे जो है वो निकाले जा रहे हैं, और उसके बाद जो सीमेंटेड जो कंस्ट्रक्शन है उसे कटर से काटने का काम शुरू होगा। दोनों की दीवारें आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये होटल झुके हुए हैं, इसीलिए दोनों को साथ में डिसमेंटल किया जाएगा। जो यहाँ के जो इस टीम को हेड कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी आज हमें ये बात बताई कि दोनों होटल्स को एक साथ डिसमेंटल करने का काम किया जाएगा। अब एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये दोनों होटल जहां पर है उसके नीचे की पहाड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और लोगों को इस बात का डर है कि जैसे जैसे जैसा मैंने दिखाया कि बिल्कुल, अब देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि आगे उनकी जिंदगी अब कैसे चलेगी। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।